हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन का पार्ट टू, और इसमें बेसिक और एडवांस कॉन्सेप्ट हम देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन की, जो कि सभी बैंकिंग एग्जाम्स और एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। यहाँ से आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ के थ्रू, और इस साइट पर आपको जाना है test.englishadvantage.in। तो यहाँ से हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस के, और इसके बाद में 10 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। तो यहाँ से हम देखते हैं द रिलेटिव प्रोनाउन हैज़ द सेम फॉर्म इन द सिंगुलर एंड इन द प्लूरल। इसका मतलब ये है कि जैसे ये सेंटेंस है तो रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है, जैसे हु होता है या दैट होता है या हुम होता है, उसका जो फॉर्म है वो सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहता है। ठीक है, जैसे दैट है तो दैट यहाँ पर सही है, लेकिन प्लूरल में आप इसका दोज नहीं लगा सकते। रिलेटिव प्रोनाउन का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता। रिलेटिव प्रोनाउन को हम सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में ही एज ए दैट या हुम हम लगाते हैं। तो यहाँ पर दैट के स्थान पर यहाँ पर दोज लगा दिया है, जो कि गलत है। ठीक है, वी दैट वर्शिप मनी ओनली आर डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ्स अदर रिवॉर्ड्स। मतलब हम लोग जो केवल पैसे की पूजा करते हैं, लाइफ के जो दूसरे सुख हैं, लाइफ के जो दूसरे एन्जॉयमेंट्स हैं, उनसे हम वंचित रह जाते हैं, ये सेंटेंस का मतलब है। तो यहाँ पर हम दैट के स्थान पर दोज नहीं लगा सकते, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता, ये सेंटेंस का मतलब है। अब हम दूसरा समझते हैं, इसको मैं पहले समझा चुका हूँ आपको पार्ट वन में, कि दैट को हम ऑन विच, इन विच या एट विच के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई रिमेंबर द डे विच ही केम, ये इनकरेक्ट है। क्योंकि इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ऑन नहीं लगा हुआ है। ठीक है, ऑन विच के स्थान पर हम दैट का प्रयोग करेंगे। या तो आप ऑन विच लगाइए या आप दैट लगाइए, तो इस सेंटेंस में ऑन नहीं है। यहाँ पर विच तो है लेकिन ऑन नहीं है, तो इसलिए ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। ठीक है, अब ये वाला सेंटेंस देखिए, आई रिमेंबर द डे विच ही केम ऑन, तो इसमें विच भी लगा है और यहाँ पर ऑन भी लगा है। ठीक है, तो इसलिए ये सेंटेंस सही है। और आप विच और ऑन इन दोनों को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप दैट लगा सकते हैं। इसलिए नीचे वाले दोनों सेंटेंस आपके ये करेक्ट हैं, क्योंकि एक में हमने लगाया है ऑन विच और दूसरे वाले सेंटेंस में हमने लगाया है दैट, और ऊपर वाला सेंटेंस में केवल विच है इसलिए वो गलत है। और यहाँ पर देखिए, दैट का प्रयोग हम इन इन केसेस में करते हैं, आफ्टर एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव डिग्री। जो एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, जैसे द बेस्ट, द हाइएस्ट, द लोएस्ट, द डार्केस्ट, तो जितनी भी सुपरलेटिव डिग्रीज हैं एडजेक्टिव की, उसके बाद हम दैट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि दैट दैट के थ्रू हम एक रिस्ट्रिक्टिव फोर्स को अप्लाई करते हैं। दैट के थ्रू हम ये बताते हैं कि हमारी जो चॉइस है वो सिलेक्टेड है, हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं दैट के थ्रू। ठीक है, तो इसलिए चूंकि बेस्ट एक ही होता है, इसलिए उसके साथ हम दैट लगाते हैं। और इन सारे वर्ड्स के साथ, जैसे ऑल है, सेम है, एनी है, नन है, नथिंग है, द ओनली है, एवरीथिंग, एवरीवन, नन, नो, नो बडी, मच, लिटिल, द सेम, द फ्यू, द लिटिल, ये काफ़ी सारे वर्ड इसमें लिखे हैं। तो इन सभी वर्ड्स के साथ हम दैट का प्रयोग करेंगे, हु का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है, हु और वॉट के साथ दैट का प्रयोग करेंगे। और ऐसे एंटीसीडेंट के लिए जिसमें एक पर्सन है, मतलब एक लिविंग पर्सन है और एक नॉन लिविंग पर्सन है, या एनिमल या थिंग है, तो उसके साथ भी हम दैट का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब ये है कि पर्सन के साथ हम हु का प्रयोग करते हैं और थिंग के साथ हम विच का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि सेंटेंस में दोनों ही चीज़ें हैं, पर्सन भी है और थिंग भी है, तो उस सिचुएशन में हम हु का और विच का प्रयोग ना करते हुए हम दैट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हु केवल पर्सन पर अप्लाई होगा और विच केवल थिंग पर अप्लाई होगा, लेकिन दैट दोनों पर अप्लाई होगा। तो इसलिए उस सिचुएशन में हम दैट का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं सेंटेंस, इट वॉज द बेस्ट फूड। ठीक है, बेस्ट फूड एक ही है, बेस्ट एक ही होता है, तो इसलिए इसमें चूंकि बेस्ट लगा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम दैट का प्रयोग करेंगे, विच का प्रयोग जो इसमें हुआ है वो गलत है। तो नीचे वाला जो सेंटेंस है ये इसमें करेक्ट है, आई डिड ऑल विच आई कुड डू फॉर हिम। तो इसमें ऑल के साथ विच लगा हुआ है जो कि गलत है, तो ऑल के साथ हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे यहाँ पर, और इसलिए ये वाला सेंटेंस आपका करेक्ट है। वॉट इज देयर विच मे नॉट बी आस्क्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन, मतलब ऐसा क्या है जो इंग्लिश सेक्शन में नहीं पूछा जा सकता। वॉट इज देयर,
अब देखिए वॉट इज देयर विच, यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड है और यहाँ पर भी डब्ल्यू एच वर्ड है, ठीक है। तो जो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं उसके बाद हम विच का प्रयोग नहीं करते, ताकि ताकि हम डब्ल्यू एच जो साउंड है उसको, उसके रिपीटेशन को रोक सकें। तो इसलिए वॉट के बाद हम यहाँ पर दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये दैट, तो नीचे वाला जो सेंटेंस है ये आपका सही है। और इसमें हमने, इस वाले सेंटेंस में हमने ये बताया है कि एक इसमें ओल्ड मैन है और एक स्टिक है, ये एंटीसीडेंट में एक लिविंग है और एक नॉन लिविंग है, तो इसलिए इसमें हम विच का प्रयोग नहीं करेंगे, हम इसमें दैट का प्रयोग करेंगे। और ये वाला पार्ट भी मैं समझा चुका हूँ पार्ट वन में, लेकिन इसमें मैंने डिलिबरेटली जानबूझकर कुछ सेंटेंसेस रिपीट किए हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। जैसे द वर्ड बट आफ्टर ए नेगेटिव लाइक नो नन ऑफन हैज द फोर्स ऑफ ए रिलेटिव प्रोनाउन एंड इज इक्विवेलेंट टू, मतलब नेगेटिव के बाद, नेगेटिव वर्ड के बाद नो या नन के बाद यदि बट आता है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है हु नॉट और विच नॉट। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, देखिए देयर इज नो सिटी बट डजेंट हैव ए ह्यूज पॉपुलेशन, ठीक है। तो इसमें हमने नो के बाद बट का प्रयोग हुआ है, ठीक है, ये नो है और नो के बाद ये बट का प्रयोग हुआ है, लेकिन बट के बाद ये डजेंट नहीं आएगा, क्योंकि नो के बाद जब हम बट का प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब होता है हु नॉट और विच नॉट, मतलब डज नॉट उसमें पहले से ही लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो गया। तो सेंटेंस सही क्या होगा, देयर इज नो सिटी बट हैज आएगा, डज नॉट हैव के स्थान पर केवल हैज आएगा, ठीक है। डज नॉट के साथ हम हैव बोलते हैं, और यदि इसका अफर्मेटिव फॉर्म आपको देखना हो तो इसका अफर्मेटिव फॉर्म होगा हैज़, डज नॉट के साथ हैज़ नहीं लगाएंगे हम, डज नॉट के साथ हमेशा हम हैव लगाएंगे, डज नॉट हैव डू नॉट हैव दोनों के साथ ही हैव लगाएंगे, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल यहाँ से डिसाइड हो रहा है आपका, डज नॉट से। जैसे डज नॉट सिंगुलर हुआ, डू नॉट आपका प्लूरल हुआ, तो यहाँ से हम डिसाइड कर रहे हैं सिंगुलर और प्लूरल को, लेकिन हैव की जगह हैज़ नहीं आएगा, ये हैव ही रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये चूंकि अफर्मेटिव में है, डज नॉट हैव का जो अफर्मेटिव फॉर्म होगा वो हैज़ होगा, और जैसे नो के बाद इसमें बट लगा हुआ है तो नो के बाद जब हम बट लगाते हैं तो उसका मतलब होता है हु नॉट और विच नॉट, तो उसमें नॉट पहले से ही लगा हुआ है इसलिए उसमें नॉट हम नहीं लगाएंगे। ऊपर वाला सेंटेंस इसलिए इनकरेक्ट है और नीचे वाला सेंटेंस करेक्ट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस सेंटेंस के थ्रू हमने ये समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। तो आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो एम आती है, इज नहीं आती, तो इसलिए पहला वाला सेंटेंस इसमें इनकरेक्ट है और दूसरा वाला सेंटेंस इसमें करेक्ट है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आई वॉज द बॉय हुम दे थॉट कमिटेड द थेफ्ट, ठीक है। तो इसमें आपको ये देखना है कि हुम किसके लिए यूज हुआ है। देखिए यहां पर थॉट दिया है और सब्जेक्ट दिया है, तो दे सब्जेक्ट है और थॉट वर्ब है, मतलब ये वाला पार्ट आप अपने आप में कंप्लीट है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी दिया है और वर्ब भी दी है दे थॉट। तो इस पार्ट को यदि आप अलग कर दें तो कमिटेड जो है वो बॉय से जुड़ जाएगा, आई वॉज द बॉय एंड द बॉय कमिटेड द थेफ्ट, ठीक है। आई वॉज द बॉय कमिटेड द थेफ्ट, तो द बॉय किस में आ रहा है, द बॉय सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है और हुम का प्रयोग हम बॉय के स्थान पर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हुम ना होते हुए यहां पर आएगा हु, क्योंकि हम इसको सब्जेक्ट के स्थान पर यूज कर रहे हैं। आई वॉज द बॉय कमिटेड द थेफ्ट, तो बॉय सब्जेक्ट के स्थान पर यूज हो रहा है, तो इसलिए बॉय के स्थान पर जो प्रोनाउन आएगा वो भी सब्जेक्टिव केस में आएगा, और इस पार्ट से इसका कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में एक सेपरेट पार्ट है जो कि पूरी तरीके से कंप्लीट है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी दिया है दे और थॉट इसमें वर्ब दिया है, तो इसलिए हुम ना होके ये होगा हु, आई वॉज द बॉय हु दे थॉट कमिटेड द थेफ्ट। तो इस तरीके से ये बनेगा सेंटेंस, ये करेक्ट सेंटेंस है, ऊपर वाला इनकरेक्ट सेंटेंस है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप अच्छे तरीके से ध्यान से समझिए। और देखिए एक ये सेंटेंस है जिसमें यदि दो रिलेटिव प्रोनाउन हो रहे हैं तो आपको दोनों ही रिलेटिव प्रोनाउन को वहां पर इंडिकेट करना होगा। जैसे आई हैव एन अंकल हु आई लव एंड इज ए मोटिवेशनल स्पीकर, तो यहां पर मेरे एक अंकल हैं जिनसे मैं प्यार करता हूं और वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो यहां पर आपको दो रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत है। यहां पर आप बोलेंगे हु आई लव, ठीक है,
आई हैव एन अंकल एंड आई लव माई अंकल. तो अंकल किस स्थान पर आ रहा है? अंकल आ रहा है ऑब्जेक्ट के स्थान पर. आई हैव एन अंकल एंड आई लव माई अंकल. तो अंकल इसमें ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है, तो इसलिए हु का जो प्रयोग होगा यहाँ पर वो गलत है. हु के स्थान पर हम क्या लगाएंगे? हुम. और यहाँ पर हम अलग अलग बातें बोल रहे हैं. यहाँ पर एक बार हम बोल रहे हैं कि मैं उनसे प्यार करता हूँ, और यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि मेरे अंकल जो हैं वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं. मेरे अंकल एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं. तो इसलिए यहाँ पर भी आपको हु चाहिए और यहाँ पर आपको हुम चाहिए. तो सही सेंटेंस होगा आई हैव एन अंकल हुम आई लव एंड हु इज ए मोटिवेशनल स्पीकर. तो यहाँ पर हु का प्रयोग करना है, यहाँ पर हुम का प्रयोग करना है. ठीक है, तो इसको आप कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि क्योंकि दोनों जगह अलग अलग आपको रिलेटिव प्रोनाउन लेना है. एक जगह हुम लेना है, एक जगह हु लेना है. तो इसलिए ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन ले लिया गया है जो कि गलत है. दोनों ही सेंटेंसेस में आपको अलग अलग रिलेटिव प्रोनाउन की ज़रूरत है. तो एक बहुत ही अच्छा ये कॉन्सेप्ट है रिलेटिव प्रोनाउन का. और आगे हम कुछ और कॉन्सेप्ट समझते हैं. देखिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. ये सेंटेंस मैं जो आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. इसमें क्या होता है कि द रिलेटिव प्रोनाउन शुड बी प्लेस्ड एज नियर एज पॉसिबल टू इट्स एंटीसीडेंट. मतलब रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो अपने एंटीसीडेंट को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो इसलिए उसके एकदम नज़दीक उसको रखा जाना चाहिए. जैसे राम के लिए मैं अगर हु का प्रयोग कर रहा हूँ या टेबल के लिए विच का प्रयोग कर रहा हूँ, तो राम और हु और टेबल और विच ये एकदम पास पास होने चाहिए. ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आप देखिए, द ऑफिस वॉज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी विच हैड स्टेट ऑफ द आर्ट इंटीरियर डेकोरेशन. अब इसमें विच किसके साथ लगा है? विच सिटी के साथ लगा है. ठीक है, तो इसका मतलब तो ये है कि सिटी का इंटीरियर डेकोरेशन किया गया था, जो कि गलत है. सिटी का हम इंटीरियर डेकोरेशन नहीं करते, हम ऑफिस का इंटीरियर डेकोरेशन करते हैं. तो इसलिए ये सेंटेंस गलत है. अब यहां पर देखिए, दूसरे सेंटेंस में देखिए, द ऑफिस विच हैड स्टेट ऑफ द आर्ट इंटीरियर डेकोरेशन वॉज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी. तो इसमें विच को कहां पर लगाया गया है? विच को हमने ऑफिस के बगल में लगाया गया है, जो कि सही है. द ऑफिस विच हैड स्टेट ऑफ द आर्ट इंटीरियर डेकोरेशन, मतलब ऑफिस, एक ऑफिस जिसका इंटीरियर डेकोरेशन काफ़ी हाई लेवल का था, वो सिटी के बीच में स्थित था. इट वॉज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी. तो ये वाला सेंटेंस सही क्यों है? क्योंकि ये लॉजिकली करेक्ट है. ऑफिस में इंटीरियर डेकोरेशन होता है, सिटी का इंटीरियर डेकोरेशन नहीं होता. इसलिए विच को यहाँ पर ऑफिस के बगल में हमने लगा के इस सेंटेंस को सही किया है. तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको आप ध्यान से समझिए. और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि नो कंजंक्शन शुड बी प्लेस्ड बिफोर द रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए. क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन ही अपने आप में एक कनेक्टर होता है. रिलेटिव प्रोनाउन प्रोनाउन भी होता है और एक कनेक्टर भी होता है. जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि विच इज इक्विवेलेंट टू एंड इट. ठीक है, विच जो है वो किसके बराबर है? एंड के बराबर है और इट के बराबर है. यानी विच में आपका कनेक्टर भी है और प्रोनाउन भी है. ठीक है, तो इसलिए विच से पहले आपको कनेक्टर नहीं लगाना है. जैसे यहां पर देखिए सेंटेंस, ही हैड ए काउ एंड विच गेव हिम मिल्क. तो यहां पर आपने क्या किया? यहां पर आपने विच भी लगा दिया है जो कि कनेक्टर है, और एंड भी लगा दिया है. तो ये एंड यहां पर एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए ये सेंटेंस यहां पर आपका इनकरेक्ट है. अब यहां पर आप देखें, ही हैड ए काउ एंड इट गेव हिम मिल्क, ये करेक्ट है, क्योंकि यहां पर आपने क्या किया? विच के स्थान पर, ये जो विच है इसके स्थान पर एंड इट लगा दिया, एक कनेक्टर और एक प्रोनाउन. तो ये सेंटेंस आपका सही हो गया. और यदि आप एंड हटाना चाहते हैं तो इस तरीके से इसको बना सकते हैं, ही हैड ए काउ विच गेव हिम मिल्क. तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट है. अब देखिए, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि देखिए सेंटेंस को पढ़िए. इंडिया बिकेम डिपेंडेंट ऑन हिज बैटिंग हु स्कोर्ड रन्स विद ए पैशन. अब देखिए यहां पर देखिए, हु को किसके साथ जोड़ा गया? हु को बैटिंग के साथ जोड़ा गया है. ठीक है, जबकि हु का एंटीसीडेंट कौन है? हु का एंटीसीडेंट हिज है. तो इसलिए इसको हम ऐसे बोलेंगे, इंडिया बिकेम डिपेंडेंट ऑन द बैटिंग ऑफ हिम. ठीक है, तो हु से पहले यहां पर यह प्रोनाउन आ गया है. ठीक है, तो इसलिए ये सेंटेंस आपका सही है. और
हु से पहले हम ये इस तरह से पजेसिव केस का नाउन नहीं लगाते, इससे पहले हम प्रोनाउन लगाते हैं पजेसिव केस का। इंडिया बिकेम डिपेंडेंट ऑन द बैटिंग ऑफ हिम हु स्कोर्ड रन विद ए पैशन। तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पर हिम क्यों लगाया, ठीक है? तो यहाँ पर हिम इसलिए लगाया है, हिज इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ऑफ दिया है यहाँ पर, और ऑफ एक क्या होता है, प्रपोजिशन होता है, तो प्रपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है, हिम जो है वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए इसको हमने ऑब्जेक्टिव केस में लिखा है। हिम जो है वो ही का ऑब्जेक्टिव केस है, हिज क्या है, हिज पजेसिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हमने हिम लिखा है जो कि सही है, और हिम के साथ हु जुड़ा हुआ है जो कि पूरी तरीके से सही है। हु के साथ हम बैटिंग को नहीं जोड़ेंगे, हु के साथ हम हिम को जोड़ेंगे, तो इस तरीके से ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। आगे हम देखते हैं व्हाट का, मैं बता चुका हूँ आपको प्रीवियस लेक्चर में कि व्हाट के साथ दैट का प्रयोग हम नहीं करेंगे क्योंकि व्हाट का मतलब होता है दैट विच और द थिंग विच, ठीक है? तो इसलिए व्हाट के साथ यदि आप दैट का प्रयोग करते हैं तो ये गलत है। आई मीन दैट व्हाट आई से ये इनकरेक्ट है, आई मीन व्हाट आई से ये करेक्ट है। सच शुड बी फॉलोड बाय एज, सच के बाद एज आएगा, दैट नहीं आएगा, ठीक है? द बुक वॉज सच एज ही कुड रीड, तो इसमें सच के बाद ये दैट जो लगा दिया है ये गलत है, सच के बाद यहां पर हम लगाएंगे एज, तो ये वाला सेंटेंस आपका सही है। प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन प्लूरल दे शुड नॉट बी यूज एज एन एंटीसीडेंट टू हु और दैट। हु और दैट का एंटीसीडेंट दे कभी भी नहीं होता क्योंकि दे एक पर्सनल प्रोनाउन है, हमेशा दोज होता है, दोज एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और इसमें पहले से ही नाउन लगा रहता है। जैसे दे का मतलब तो केवल वे होगा, लेकिन दोज का मतलब क्या होगा, वे लोग होगा, वे लोग जो स्कूल के स्टूडेंट हैं उनको टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है, तो नाउन इससे पहले आना जरूरी है हु से पहले, और नाउन इसमें मिला हुआ है दोज में क्योंकि दोज का मतलब होता है दे पीपल, तो इसलिए दे यहां पर गलत होगा, दोज यहां पर सही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको आप ध्यान से समझिए। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग हम कैसे करते हैं, व्हाट का प्रयोग हम जनरल सेंस में करते हैं, विच का प्रयोग हम स्पेसिफिक सेंस में करते हैं। जैसे व्हाट काइंड्स ऑफ बुक्स डू यू लाइक, आपको किस तरह की किताबें पसंद हैं, ठीक है? वो किताबें कोई सी भी हो सकती हैं, जनरल सेंस में हम पूछ रहे हैं। और विच बुक डू यू लाइक मतलब यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर सेंस में एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो व्हाट का प्रयोग हम करते हैं जनरल सेंस में, विच का प्रयोग करते हैं हम स्पेसिफिक सेंस में। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हम और देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इन वर्ड्स को हम पजेसिव प्रोनाउन के साथ यूज नहीं करते। द फॉलोइंग वर्ड्स मस्ट नॉट बी यूज्ड विद पजेसिव एडजेक्टिव लाइक हिज, योर, हर एंड माय। मतलब ये वाले जो वर्ड्स हैं, यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हैं, सेपरेशन, एक्सक्यूज, लीव, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट, फेवर, इनको हम इन पजेसिव एडजेक्टिव के साथ प्रयोग नहीं करेंगे। हिज, जैसे हिज सेपरेशन मैं नहीं बोलूँगा, योर फेवर मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है, हर सेपरेशन में नहीं बोलूंगा, तो इनको हम इस तरीके से यूज करते हैं। जैसे योर सेपरेशन ना बोलते हुए मैं बोलूंगा सेपरेशन फ्रॉम यू, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से समझिए। योर फेवर ना बोलते हुए मैं बोलूंगा फेवर फ्रॉम यू, ठीक है, इसी तरीके से योर मेंशन ना बोलते हुए मैं बोलूंगा मेंशन ऑफ यू, या एट हिज साइट ना बोलते हुए मैं बोलूंगा द साइट ऑफ हिम। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं बैंकिंग एग्जाम में और एसएससी एग्जाम में, तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। और यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ही प्राइड्स अपॉन हिज पैट्रियोटिज्म, मतलब उसको गर्व है अपनी देशभक्ति पर। तो प्राइड्स के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं यहाँ पर, ही प्राइड्स हिमसेल्फ, वह गर्व करता है, वह गर्व किस पर करता है, अपने आप पर गर्व करता है, तो यहां पर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत है। ही प्राइड्स हिमसेल्फ अपॉन हिज पैट्रियोटिज्म, उस तरीके से ये सेंटेंस सही हो जाएगा और इसका जो आंसर होगा वो होगा वन, क्योंकि वन पार्ट में इसमें गलती है। सेकंड देखते हैं, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। देखिए वन ऑफ द के बाद जो नाउन आएगी वो प्लूरल आएगी यहां पर, ये सही है, लेकिन यहां पर इसका जो एंटीसीडेंट है, दैट का जो एंटीसीडेंट है वो प्लेयर है, यहां पर वन नहीं है और प्लेयर प्लूरल है, तो इसलिए यहां पर हम यूज करेंगे हैव, और सेकंड पार्ट में इसमें आपका आंसर होगी, ये गलती अब इसमें मानी जाएगी। थर्ड देखते हैं, इफ आई वर हिम आई वुड पुट इन ऑल माय मनी इन द वेंचर। इफ आई वर हिम आई वुड पुट इन ऑल माय मनी इन द वेंचर, ठीक है, यदि मैं उसके स्थान पर होता तो मैं
ये यहाँ पर मेरे हिसाब से वुडेंट होना चाहिए, वुडेंट पुट इन ऑल माई मनी इन द वेंचर। तो खैर ये गलती नहीं है इसमें, इसमें गलती यहाँ पर है कि वर या वॉज के बाद जो वर्ड आता है वो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे यदि मैं बोलूँ कि आई एम ए टीचर, तो टीचर जो है वो इसमें ऑब्जेक्ट ना होते हुए इसमें कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, कुछ दूसरे वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हिम जो है ये वर का कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो सेंटेंस को कंप्लीट करता है। जैसे यदि मैं बोलूं कि आई एम, तो क्यों कोई मतलब नहीं निकलेगा इसका। यदि मैं बोलता हूं कि आई एम ए टीचर, तो टीचर ने उस सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया, इसलिए वो कॉम्प्लीमेंट हुआ ना कि ऑब्जेक्ट। और चूंकि ये कॉम्प्लीमेंट है इसको हम सब्जेक्टिव केस में रखेंगे, ये ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए इसको हम ऑब्जेक्टिव केस में नहीं रखेंगे। तो हिम के स्थान पर यहां पर हम बोलेंगे ही। इफ आई वर ही, आई वुडेंट पुट इन ऑल माई मनी इन द वेंचर। तो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यहाँ पर हम हिम के स्थान पर हम रखेंगे इसमें ही। यहाँ पर देखिए, मच डिपेंड्स अपॉन हिम साइनिंग द एग्रीमेंट। काफ़ी कुछ डिपेंड करता है उसके एग्रीमेंट साइन करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आई एन जी फॉर्म है जिसको हम जेरेंड फॉर्म बोलते हैं, इससे पहले जो प्रोनाउन आता है वो हमेशा पजेसिव केस में आता है। तो यहाँ पर हिम के स्थान पर हम लिखेंगे यहाँ पर हिज। क्वेश्चन 5 देखते हैं। कैन नॉट वन डू वॉट वन लाइक्स ऑन वंस ओन। क्या एक आदमी वह काम नहीं कर सकता जो उस काम को करना चाहता है अपने बल पर। ये सेंटेंस का मतलब है। तो ये सेंटेंस कैन नॉट वन डू, यहाँ तक ये सही है। वॉट वन लाइक्स, ये सही है। ऑन वंस ओन, ये सही है। तो ये पूरा सेंटेंस सही है। इसमें आपका आंसर होगा 4, यानी नो एरर। कुछ सेंटेंस और देखते हैं। द बॉय बीइंग अ ब्रिलियंट स्टूडेंट ही विल टॉप द क्लास। इस सेंटेंस में एक्चुअली ये ही जो है ये एक्स्ट्रा है, क्योंकि विल जो हेल्पिंग वर्ब है उसका सब्जेक्ट यहां पर लगा हुआ है, द बॉय। द बॉय बीइंग अ ब्रिलियंट स्टूडेंट विल टॉप द क्लास, इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। और ही विल ना होते हुए केवल विल होगा और सेकेंड इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 7 देखते हैं। हुम डू यू बिलीव हिम टू बी। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम पूछते हैं सामने वाले व्यक्ति की पर्सनैलिटी के वह कौन है, हु इज ही। ठीक है, तो हुम डू यू बिलीव हिम टू बी का मतलब यही है कि हु इज ही। तो ये सेंटेंस जो है ये हु इज ही के इक्विवेलेंट है, इसलिए हुम ना होते हुए इसमें, हुम ना लिखते हुए यहां पर हम हु का प्रयोग करेंगे। इस तरह के सेंटेंसेस में हम हमेशा हु का प्रयोग करते हैं। हेयर कम्स कपिल देव हुम दे से इज द बेस्ट ऑलराउंडर इंडिया हैज एवर हैड। तो इसमें भी वही हुम वाली गलती है। देखिए ये दे से तो अपने आप में कंप्लीट है, क्योंकि दे सब्जेक्ट है और से वर्ब है, तो इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन इज किससे रिलेटेड है? इज रिलेटेड है कपिल देव से, और कपिल देव सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। और सब्जेक्ट के स्थान पर हम क्या रखेंगे? हम सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे हु, ना कि हु। सो हेयर कम्स कपिल देव हु इज द बेस्ट ऑलराउंडर। मैं ऐसे बोलूंगा हु इज द बेस्ट ऑलराउंडर, ऐसे नहीं बोलूंगा हुम इज द बेस्ट ऑलराउंडर। ठीक है, तो हुम यहाँ पर गलत है, हुम के स्थान पर इसमें हु का प्रयोग होगा। दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज बुक्स दैट कैरी सम वेट। ये काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। देखिए यहाँ पर हम वन ऑफ हिज बुक्स नहीं बोल रहे, यहां पर हम बोल रहे हैं ओनली वन ऑफ हिज बुक्स। तो इसलिए इसका जो एंटीसीडेंट होगा दैट का, वो होगा ओनली वन, ना कि बुक्स। इसलिए यहां पर जो जो वर्ब आएगी ये सिंगुलर में आएगी, कैरीज इसको हम बोलेंगे, और थर्ड इसका आंसर होगा। आई डू नॉट केयर फॉर योर वर्ड्स। हु के साथ यहां पर डज नॉट नहीं आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हम यू यहाँ पर सब्जेक्ट ले रहे हैं, यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, तो यू के साथ हम डज नॉट नहीं बोलेंगे यहाँ पर, यहाँ पर हम बोलेंगे डू नॉट। तो इस तरीके से सेकेंड इसका आंसर होगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, यहाँ पर अपना फीडबैक दीजिए। और ये मेरा फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी है, यहाँ पर आप मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं। और फेसबुक पर मेरा इंग्लिश एडवांटेज एजुकेशन पेज है, उसको भी आप प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि वहाँ पर मैं नोटिफिकेशन देता रहता हूँ। और यहाँ से आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज ले सकते हैं और उसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।